इमली परिवार, हम आपको एक फोटो दिखाना चाहते हैं। Can we have the picture, please? Yes, please. चलो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं ताकि फोटो। हाँ ये देखिए, ये है अक्षरा। अभी आपको बताना है कि अक्षरा इस फोटो में कर क्या रही है। हमको तो लग रहा है ऊपर कहीं खड़ी हुई है, कूदने वाली है। ये मुझे लगता है अभिमन्यु से कह रही है कि अभिमन्यु हम पहला राउंड हार गए हैं। अभिमन्यु को आवाज दे रही है, जल्दी से गेम में वापस आओ, क्या कर रहे हो। घायल शेरनी है वो। घायल शेरनी बोल रही है काम, नेक्स्ट राउंड दिखाते हैं। देखिए पापा ने कैसी साइड ली है। चलिए आप लोगों ने अपने अपने गेस कर लिए, अब हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली इस सीन में हो क्या रहा है। उसकी बूंदे जैसे पिघले दिल ये पिघले। ओहो, शी वाज लुकिंग इन माय आईज। अभिमन्यु आप बताइए इमली परिवार को कि यहाँ पर क्या हो रहा था, आप ऐसे क्यों यहाँ पर हो रहा था। बहुत भाव खा रही थी, मान नहीं रही थी कि मुझसे प्यार करती है। तो मैं गायब हो गया था, ये ढूंढते ढूंढते आई और फिर ढूंढ रही थी। उसके बाद जब फाइनली इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब मैं नीचे आया। पिघलता है ये पहली बार था जब इन्होंने अपने मुंह से कहा हाँ। आई लव यू अभिमन्यु, सो स्वीट। बट वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, करेक्ट? आई लाइक इट, आई सेंस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। और ये है रविवार विद स्टार परिवार। तो अब बारी है अक्षरा। क्या बात, अब तुम उल्टा लटकोगी और प्यार का इजहार करोगी और डायलॉग भी आप देखना चाहते हो ना, अक्षरा को उल्टा लटक के। यस, अभिमन्यु के लिए आइए। ऐसे ऐसे हर बार तुमने इजहार किया है प्यार का सबके सामने, आज मैं पूरे स्टार परिवार के सामने अपने प्यार का इजहार करती हूँ। बहुत बढ़िया बात है, संभल के करना। वो कितना प्यार करते हैं आपसे, कह रहे संभल के करना। जी अब हम भी अपना प्यार दिखाएंगे, लाइए। कहाँ लटकूंगी मैं, पैर ऊपर फंसा था। ओके ओके, थोड़ा और। अभी मुझे सिर्फ तुम में रब दिखता है, तुमसे मेरी दिन शुरू होती है और तुमसे मेरी रात। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। आई लव यू।
तुम मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी बंदगी हो, मुझे तुम मेरा बेटा है। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जी, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही आँखों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू तुझमे रब लिखा है। यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझमे रब लिखा है, यारा एक हमारे मामा जी है और हमारा जो एक अमाल है, दोनों बहुत ही सिंगल हैं, दोनों बैचलर हैं। बैचलर है, बैचलर है अभी तक। अभी मेरे मामा जी हमारे बैचलर है। हेलो मामा जी, बैचलर क्लब के दो चेयरमैन। इनका जो दिल है आया हुआ है राखी जी पर, जिनके साथ आप डांस कर रहे थे, तो वो अच्छा आपका। माने मेरा मेरा दिल आया है, इनका नहीं, ये अभी कुंवर है। तो मैं चाहता हूँ रणबीर की आप इन्हें कुछ सिखाएं, ओके, जिससे राखी इनके जीवन में आए। ये वाली नहीं, ये वाली। आइए आप भी आ जाइए। तो मेरे पास ऐसे तीन आइडियाज है, तीन आइडियाज है जो हम कोशिश करेंगे प्रपोज करें। जी बिल्कुल, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप कैसे ये सब कर लेते हो यार। माने क्या है, माने किसी के साथ पहचान बनाना, फिर बाद में प्यार करना, बाद में उसके साथ शादी करना, और सुनाई का भी तो बच्चा भी आने वाला है। पहला कोशिश करें प्रपोजल का, जैसा होना चाहिए। ये जो हाथ है, तो पहले आप इधर डालो, अंदर इधर, हाँ, अपना दिल ढूंढो, किधर है, किधर है, किधर है, किधर 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 है, किधर है, मिल गया, मिल गया, इधर इधर है ना, धक धक धक। अभी निकालो, दिल निकालो, दिल निकालो, दिल निकालो, धक धक कर रहा है, धक धक कर रहा है। हाँ अभी इनके कदमों पे डालो। कभी ऐसा होता था नहीं। अभी देखते क्या करते। मामा जी ने दिल ऐसे फेंक दिया। कुछ कुछ हुआ नहीं, सेकंड तरीका। सेकंड, लेकिन मैं तो मर गया ना। नहीं। अब क्या करूं? बोल वापस आएगा? ये तो बाईपास सर्जरी हो गई, बाईपास। ये वापस ले लीजिए दिल। अरे अभी धक धक करो उसको। अखी बाईपास थी। सेकंड तरीका, जो मैं बोलूंगा आप मेरे बाद सेम रिपीट करना। ठीक है ठीक है। तू ना मुझे बड़ी हॉट लगती है। मुझे बड़ी हॉट लगती है। कूल भी है। कूल भी है। हॉट एंड कूल एट द सेम टाइम। हॉट एंड कूल एट द सेम टाइम। गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। गर्लफ्रेंड बन जा मेरी यार। गर्लफ्रेंड तो तब बनती जब आपका नाम जनार्दन होता। यार इनके पास भी लाइन पे लाइन है। एक लास्ट ट्राई करते हैं। जी। हाँ कुछ फील आ रही है, फील आ रही है, रोमांटिक वाली फील आ रही है वो। नो 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 नो
थोड़ा वो शाहरुख खान जैसा एक हाथ फैला दो। हाथ फैलाने को कहा है मामा जी? कुछ आपको आपको कुछ फीलिंग आ रही है? आप भी ऐसे करिए ना तो शायद आ जाए। नहीं नहीं, आगे वाले को देख के फीलिंग लाओ। अच्छा अच्छा, एक काम करो तो आप ये हाथ पीछे डाल दो, मैं आपके हाथ बन जाता हूँ। हाँ, अभी आप उनको देखो। हाँ। और डायलॉग बोलो। राखी, आई लव यू, लव यू। क्या तुम मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ दोगी? रणबीर का हाथ है, ले ले। अरे यार क्या बात, क्या बात है, मैंने लाइन बना दी आपने यार। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बस एक बार शादी करवा दो पक्का। बस जैसे जब तक ये एपिसोड खत्म होगा बच्चे भी करवा दूंगा। क्या कर रहे हो मेरे गोम्बी के साथ, इधर आओ। धरा जी मुझे बताइए कि गोम्बी आपके इस अवतार में कैसे लग रहे हैं? मेरा गोम्बी जैसा भी है मेरा है। और बहुत अच्छा है। ओके। कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा, कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के पॉल सा, कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। हमारे शो में भी जब भी धरा तैयार हो रही होती है, कई बार मैंने उसकी प्लीट्स की है, और इसके बारे में गजरा तो गोम्बी का ही काम है लगाने का। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। पर गोम्बी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आज तक जब जब मैं तैयार हुई हूँ तुम मेरे लिए फूल लेकर आए हो, तो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या बात है यार, क्या लेकर आए? बेशक है तुझ पे ही तो मेरा हक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गोम्बी। तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा।
आज तक धरा सबकी ताकत बनी है, पर धरा की ताकत कम भी है। वैसे सुमन जी, आपको कैसा लग रहा था? अरे एक नंबर का पेटीकोट छाप है। ये पेटीकोट छाप नंबर दो और ये नंबर तीन होने जा रहा है। अच्छा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पंड्या परिवार के लिए। अब हम आपको कुछ सामान देंगे, आप दोनों को आपस में बस प्यार का समा बांधना है। इतना मुझे ट्रस्ट है इस पे कि अगर मुझे किसी भी वक्त तकलीफ होगी, पहला इंसान यही होगा जिसको मैं कॉल करूंगा। मोहब्बत ना सही, मुकदमा ही कर दीजिए। अरे कम से कम आपको देखने का एक डेट तो मिल जाएगा। अपने दद्दा को बताओ कि इतना लाइन ना मारे, वरना अगर माँ की सटक गई ना, डंडा मार मार के मंचाव बना देगी। इस दिल के लड्डू बढ़ गए। ये कपड़े धोने वाला सारा सामान है, ये रहा, इससे आपको प्यार जताना है। कैसे, मुझसे मत पूछना। थ्री टू वन म्यूजिक। क्या बात है यार, मुझे दो मिनट के लिए लगा एक मूवी चल रही है। सैनिटाइज प्यार था आपका, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं आपको अभी एक प्रॉप दूंगा, पहले आपको उस प्रॉप को प्रपोज करना है। मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है। चलो फाइनली झाड़ू तो मिला। क्या बोलना चाहेंगे आप इस झाड़ू से? सही। इस झाड़ू में जितने ये क्या बोलते हैं तिनके है, ब्रशेज है, जो भी है, उससे कहीं ज्यादा, कहीं कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं। विल यू मैरी मी? यस आई विल। Wow. दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है।
सबको हो रही है खबर चुप के ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के वाह 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 भवानी जी कैसा लगा ये डांस आपको एकदम झाड़ू तोड़ परफॉर्मेंस था एकदम मस्त मस्त था एक्चुअली हमें काफी टाइम से रोमांस करने का मौका नहीं मिला ना तो हमने कहा झाड़ू छोड़ो रोमांस करते हैं थैंक यू सो मच यार विराट और सई मैंने सुना है आप अपने शो में नाक चाट चाट के रोमांस करते हैं ये सच है ये एक्चुअली सच है हा? और नाक पे आइसक्रीम लगी थी इसीलिए चाट चाट के रोमांस मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है जो आप चाट सकते हैं एक मिनट ओके देखिए ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ ये सिर्फ प्यार के लिए रखा गया है ये लीजिए पिशा मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास गुलाब तो नहीं है पर ये ब्रश है और इस ब्रश में जितने बाल हैं उससे ज्यादा मुझे तुम्हारा ख्याल है तो मैं कहना चाहती हूं कि क्या बताएं मैं और मेरा रेड ब्रश तुम हो मेरे क्रश तुम लगते हो बहुत मस्त आज इस ब्रश को यूज करके मैं करूंगा तुम्हारे साथ हश 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 सासू माँ नजर न लगे क्या इनोवेटिव प्यार था वाह टॉयलेट के ब्रश के साथ प्यार कोई कर सकता है हमारी मॉडर्न सासू माँ आपको भी मन कर गया ना युवराज मैं देख रहा था आंसू आ रहे थे क्यों खुशी के आंसू थे इन लोगों की तड़प दिख रही थी लेकिन भाई सीरियसली इन लोगों को ब्रश दो कुछ भी दो ब्रश तो तब भी बहुत बड़ी चीज हो गई छोटी सी चीज भी दो ना उसका भी ये लोग पहाड़ बना देंगे और फिर रोमांस में डाल देंगे उसे किसी तरह लेकिन जो लोग अक्सर प्यार में होते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं वो अक्सर ऐसे छोटे छोटे मौकों में ही प्यार ढूंढ लेते हैं क्यों अनुपमा जी देखिए उन्होंने उधर ही चले लगे पड़े हैं देखिए वो आप अपना ही चल रहे देखिए देखा छोटे छोटे तकियों में प्यार ढूंढ लिया इन्होंने हाँ किसी ने नहीं सोचा था कि
टॉयलेट ब्रश से इतना प्यार कोई किसी से कर सकता है। एक बार इस कपल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। टॉयलेट एक प्रेम कथा, इनके लिए जोरदार तालियां। इसे कहते हैं बीवी की चप्पलूसी। अनुज और अनुपमा का प्यार शुरू हुआ था चप्पल से, सैंडल से। जी, सितारों वाली सैंडल से। पहली बार जब हम मिले थे तो मेरी सैंडल खो गई थी और इन्होंने ढूंढ कर लाकर मेरे पैरों में पहनाई थी। तो सैंडल, चप्पल, ये सबसे हमारा प्यार का रिश्ता है। क्या बात है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुज अनुपमा से इतना प्यार करता है कि चप्पल तो क्या है यार, कुछ भी दे दो प्यार दिख ही जाता है ना? अरे तुम हो ही ऐसी अनु। थैंक यू। आपका परिवार और आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, वाज लवली। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। सच में ऐसे लग रहा है कि लड़कों के साथ उनकी साली बैठी हुई है। अनुज ने 27 साल वेट किया। भाई आप कितने वेले हो। बहुत। भी देखो उदास स्माइली नहीं होता। हर्ष के सहारे मत रहना क्योंकि ये बजेगा नहीं, उसको उठा के मारना पड़ेगा। अपने रंग में देखते हैं। अरे चल ना, तेरे को तो घर जाके देखूंगी मैं। अरे तू चुप रह। तुम दोनों को देख के लग रहा है। तुम भी चुप रहो। बच्चे का बाप होगा तू घर पे। ज्यादा बकवास की ना, अनुपमा उठा के मारूंगी। इंडिया, आज तक आपने इमली को आर्यन के लिए नीला आंटी से भी जबान लड़ाते हुए देखा है। अब तक आपने अभिमन्यु के लिए अक्षरा को तराफे से लटक कर चमगादड़ बन जाते हुए भी देखा है। आज तक आपने थू थू करके अनुपमा को अनुज की नजर उतारते हुए भी देखा है। लेकिन आज समोसा और चटनी की तरह साथ निभाने वाले ये जीवन साथी सुई और धागे की तरह मिलकर जिंदगी के फटे की सिलाई करने वाले ये हमराही लड़ने वाले हैं आर पार की ये कड़क, करारी और धमाकेदार लड़ाई। जहां पति के इरादों पर होगा पत्नियों का करारा वार। वेलकम टू रविवार विद स्टार परिवार। पांचा।
जैसन आप लोगन खेल शुरू होने से पहले ही गिर गए रहे ना, वैसे हम बता रहे हैं कि आप पूरे खेल में ऐसे नहीं गिरत रही हैं, काहे कि ऊपर वाला ई लिख दी ही से। किसी को धोखे से गिरा देना बड़ी बात नहीं है, असली खेल में कौन गिरेगा और कौन गिराएगा ये अब देखा जाएगा। यस। पता तो आप लोगों को चलेगा, पहली बार आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं ना, बैंड ना बजा दी तो बताना क्यों लड़की। घर पे जो बैंड बजती है वो किसी को पता नहीं चलता, दुनिया के सामने बैंड बजाना जरूरी है। ये बात भी सही है, ऐसे जलील कर करके। अक्सर देखा गया है कि पत्नियां पतियों को दिन में तारे दिखा देती है, तो कहीं ये नजारा इन्हें ना देखना पड़ जाए आज। संभालिएगा अनुज। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आप तारे दिखा दीजिए चलेगा, लेकिन आप सब खुद चांद बन के जो स्टेज पे घूम रही है हम क्या करें? उसका क्या करें? तो गिरना पड़ता है भाई, क्योंकि नीचे से ही तो ऊपर आसमान दिखेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए स्टार परिवार के पतियों के लिए और उनकी प्यारी प्यारी चांद जैसी पत्नियों के लिए। चलिए चल 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 चल, बहुत रिस्क ले रहा है तू, बहुत रिस्क। आज पत्नियां और पति ये दिखा दे कि रसोई के काम किसे ज्यादा अच्छे आते हैं। कोई प्लीज और पानी डाल, और पानी डाल। ये वनराज जी इसमें भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं। क्या ये पत्नियां अपने पतियों को गोद में उठा सकती हैं? मैंने बात करते करते अचानक फ्री होम डिलीवरी में मैं आंखें गया, इसमें कुछ फ्री मिल सकता है कि नहीं मैं देख रहा हूँ। सिर्फ होम डिलीवरी है, फ्री यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। अरे होम डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? नॉट फ्री बट होम डिलीवरी फ्री है, मतलब चीज में पैसा देना पड़ेगा। घर पे फ्री आएगा। हाँ, इतना तो दिमाग है भाई। डॉन परिवार। आप क्या डिसीजन? अरे दिल चुरा के ऐसा करके कोई बोलता है क्या? उन्होंने गेस कर दिया, मेरे को अभी ये गाना सुनने में इतना खराब लग रहा है मैं बता नहीं सकता। क्यों? मेरा गाया हुआ गाना बहुत खराब लग रहा था। पागल हुआ दीवाना हुआ, मैं तो गाना गा रहा हूँ।
ये शान भाई आपको बहुत चिढ़ा रहे हैं और आपका गाना भी गा दिया उन्होंने। हाँ। अच्छा चिढ़ा है, लेकिन अभी यही गाना सुनने को मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, बंद करो उसको। कहाँ कहाँ पे लगी उस।